कटहल एक ऐसी सब्जी है जो हर किसी को पसंद होती है, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन। और कटहल को ना इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़े में अगर काट करके और एक बार मेरे तरीके से बना लिए तो यकीन मानिए आप कटहल का और भी दीवाने हो जाएंगे। इसकी टेस्टी मज़ेदार सब्जी बनाने के लिए ना इसे बड़े बड़े टुकड़ों में इस तरह से काट लें और जितने कटहल आप लें उसके आधे से थोड़ा कम प्याज लें और इस तरह से प्याज को आप जैसे मर्जी वैसे काट लें, मोटा पतला बड़ा या जैसे भी काटना चाहें इस तरीके से काट लें। मैं हर तरह से इसमें काट रही हूँ, आपको जो आसान लगे उस तरीके से काट सकते हैं कटहल को। ये आसान भी होता है, प्याज वैसे भी काटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस तरह से काटेंगे आसान भी होता है। और आप भी इस तरह से, प्याज तो वैसे भी हर किसी को रुला ही देती है, जैसे भी काटिए, चाहे आप पानी में डाल के काटें या जैसे भी, थोड़ी बहुत छांक तो इसमें फिर भी आती ही है। और इस तरह से प्याज और कटहल को काटने के बाद यहाँ पे हम डाल लेंगे इसमें कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैंने खूब सारा लहसुन लिए और अदरक, इसे कूट लेंगे इस तरह से, खलबट्टे में कूट लें, आपके पास पेस्ट हो तो भी यूज कर सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें वो डाल लें। मैं यहाँ पे कूट के डाल रही हूँ, ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और सारे अदरक लहसुन को डाल लेंगे इसी में। और साथ ही अब यहाँ पे इसमें जाएगा खूब लगभग 1.5 से 2 चम्मच मसाला। इसमें हर एक मसाले हैं, जीरा, धनिया, काली मिर्च, मतलब जितने भी मसाले होते हैं ना वो सब है, गरम मसाले का जो भी होता है वो, और धनिया मिक्स है, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा मैं यहाँ पे ज़्यादा ही डाली हूँ। और इसमें ऐड करेंगे मीट मसाला, तो थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। और अब यहीं पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, साथ ही जाएगा यहाँ पे सरसों की तेल। सब चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पे सरसों की तेल ज़रूर डालिएगा, इससे इसमें जो मसाले को हम बाकी सब्जियों के साथ यानी कटहल के साथ मिक्स करेंगे तो बढ़िया सी चमक और मॉइस्चर बनी रहेगी। तो इस तरह से सारे चीज़ों को डालने के बाद अब हाथों से अच्छे से मैश करते हुए इसे आपस में मिक्स कर देंगे, ये अच्छे से मिला लेंगे इसे। इस तरह से देखिए प्याज जो बड़ी बड़ी है वो हाथ से मैश करते हुए इस तरह से अलग अलग पार्ट में हो जाएगा इसके एक एक भाग। तो इस तरह से मैश कर लेंगे और ये बहुत ही जल्दी भी होती है और बनाने में भी आपको इसके बाद कोई झंझट नहीं। और देख सकते कितना ये बढ़िया कलर इसका आया है और कितना ये अच्छा दिख रहा है। अगर अभी ये इतना अच्छा दिख रहा है तो सोचिए बनाने के बाद या खाने में कितना टेस्टी होगा। थोड़ा सा 3-4 लहसुन की कलियाँ वैसे डाल लीजिएगा, गैस पे यहाँ पे चढ़ा लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई गर्म होते ही डाल देंगे इसमें तेल। और तेल को गर्म होते ही अब यहाँ पे जाएगा एक तेज़पात, तोड़ कर डाल लें या वैसे साबुत ही डाल लें, थोड़ी सी 2 से 3 काली मिर्च, 1-2 लौंग, जीरा और दालचीनी और बड़ी इलायची, उसे खोल लें और फिर डाल लें। और जैसे ही वो तड़के ना तो जो हमने मिक्स तैयार किए थे ना कटहल वाले, बस यहाँ पे मिक्स को डाल दीजिएगा अच्छे से, इसे तड़के के साथ आप मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद कवर करके इसे पका लीजिएगा तब तक जब तक कि ये थोड़ा इसकी मतलब तेल ना छोड़ने लग जाए, पानी ना छोड़ने लग जाए। तो जैसे ये सब्जी से पानी छोड़ने लग जाए, थोड़ा ये देखिए सॉफ्ट हो गया है, तो इसे गलने के लिए इस स्टेज पे अब हम डालेंगे पानी। थोड़ा पानी, चूँकि हमने बड़ा बड़ा कटहल की पीसेस करके रखा है तो पानी डालना ज़रूरी होता है, पानी डाल के और फिर इसे इस तरह से पकने देंगे, डालें जिससे कि मसाले भी इसके अच्छे से पक जाए और कटहल भी आपके गल जाए। आप अगर ज़्यादा देर इसे नहीं पकाना चाहते हैं तो काट के धुल के उबाल लें,
फिर बहुत जल्दी बन जाएगा। आप कटहल को किस तरह से बनाते हैं और कहाँ से है कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और देखिए कितना बढ़िया ये हमारा कटहल बनकर रेडी हुआ है। आप चाहे तो इसमें इस सब्जी को जिससे चाहे मर्जी, चाहे चावल हो या रोटी, इस सब्जी को चावल या रोटी किसी के साथ भी सर्व करें, मज़ा आ जाता है, बहुत टेस्टी लगती है। तो आप भी जरूर ट्राई करें, या फिर ग्रेवी भी रख सकते हैं या फिर ऐसे ही खा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलेंगे फिर से इसी तरह का एक बिना झंझट वाला मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।